आधार का दायरा बढ़ा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और फसल बीमा पॉलिसी के लिए सरकार ने आधार को अनिवार्य किया। योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार का सत्यापन जरूरी। जिनके पास आधार नहीं वो जल्द बनवाए कार्ड। इससे सरकार को ये सुनिश्चित करने में बेहद मदद मिलेगी कि सही लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। केंद्रीय कर्मियों के लिए खुशखबरी। जनरल प्रोविडेंट फंड से निकासी हुई आसान। 15 दिन में मिल जाएगा आपका पैसा। अपने जीपीएफ का पैसा 10 साल की नौकरी पूरा होने के बाद निकाल सकेंगे। पहले ये सीमा 15 साल की थी। केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारियों को इससे फायदा होगा। बड़ी संख्या में जनधन अकाउंट को मेंटेन करने के लिए मिनिमम बैलेंस ना रखने पर पेनल्टी जरूरी। एसबीआई चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य ने कहा 11 करोड़ से अधिक जनधन खातों को मैनेज करने के लिए कुछ चार्जेस की जरूरत है। महानगरों में बैंक अकाउंट में 5,000, शहरी क्षेत्रों में 3, गांव की शाखाओं में 1,000 न्यूनतम बैलेंस रखना आवश्यक। कालेधन पर कड़ा प्रहार करते हुए सरकार के विमुद्रीकरण के फैसले के बाद नवंबर 8 से 30 दिसंबर के बीच लगभग 2400 सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक शाखाओं ने संदिग्ध उच्च मूल्य वाले लेन देन की सूचना दी। इनमें से ज्यादातर शाखाएं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल की हैं। और 22 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचा घरेलू हवाई यातायात। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन एसोसिएशन के अनुसार जनवरी में भारत में एयर ट्रैफिक में 26% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वैश्विक आर्थिक चक्र के सुधार के कारण यह मुमकिन हुआ। 20% से अधिक वार्षिक वृद्धि दर्ज करने के लिए लगातार ये 15वां महीना है।